समझदारी। सेकेंड फेज में यह चीज डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती नहीं। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। एक कहानी सुनाता हूं आपको, कबीर दास जी की कहानी, बड़ी फेमस कहानी सर। बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित देवदत्त। शास्त्रार्थ किया, पूरे भारत के विद्वानों को हरा कर लौट कर आए पंडित देवदत्त। तो जब लौट कर आए तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो प्रॉपर आइए, फर्स्ट रैंक। उनकी मां ने कहा हम ना मानते। बोले क्यों? ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहली रैंक आई इसमें। अरे बोले सब सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट किसी और को दिखाओ, चलो हटो। तो उन्होंने कहा कि क्यों? बोले यहां एक जुल्हा रहता है कबीर, तुम उसको हरा के दिखाओ। बोले कबीर? हाँ बोले जुल्हा रहता वहीं आगे कहीं सड़क के उस पार रहता है कबीर, तो उसको हरा के दिखाओ। अरे बोले लहा जुल्हा अभी हरा के आते। गए कबीर के घर, ज्ञानी को बड़ा ताव होता है। पंडित जी पहुंचे कबीर के घर, लगे दरवाजा नॉक करने। अहंकारी बड़ा उत्तेजना में रहता है कि मैं कौन, गजोधर सिंह। अरे गजोधर सिंह, लगे दरवाजा पीटने। तो उनकी बेटी निकली कमाली, बोली जी बताएं कबीर कहाँ है। बोली वो तो बाजार गए चद्दर बेचने के लिए। बोले चद्दर बेचता है? हाँ। बोले बुलाओ उसको। बोले वो शाम को आएंगे। अरे बोले शाम को नहीं, मैं इतना टाइम नहीं मेरा, बुलाओ बोलो पंडित देवदत्त आए। अरे बोली वो अब कहाँ जाए बुलाने, वो कहीं बेच रहे होंगे, अब शाम को आएंगे, आप आइएगा शाम। प्रोटोकॉल प्रॉपर आइए, बुलाओ अपने बाप। वो बेटी बेटी बेचारी भागते हुए बाजार गई। बोले कोई भौकाली आए हैं और बड़े फैल रहे हैं, बहुत चौड़ा हो रहे हैं। बोले क्या नाम है? बोले कोई बता रहे हैं कि प्रॉपर आईएएस है, फर्स्ट रैंक आईएएस में, वो पंडित देवदत्त नाम है। कबीर ने कहा अच्छा तो बैठाओ पानी नहीं पिलाओ। बोले बैठ ही नहीं रहे, और पानी पीना तो दूर, आग उगल रहे हैं, वो एकदम मशीन गन बने हुए हैं। कबीर ने कहा अच्छा चलो। तो कबीर आए तो पंडित जी मिले, उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया कि पंडित जी नमस्कार, शिष्टाचार है। हाँ 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 ठीक है, तुम्हारा नाम कबीर? बोले जी हाँ। बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए। बोले हमसे? हाँ। बोले मैं फर्स्ट रैंक है मेरा आईएएस में, मेरा नाम सो एंड सो है और ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे बोले आप इतने महान आदमी और आपको इतना कॉमन सेंस नहीं पैदा हुआ कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार ही नहीं है? हम तो नीच जात के आदमी जुल्हा, हम तो पढ़े ही नहीं, अनपढ़ से कैसे शास्त्रकार करोगे सरकार? बुद्धि मर गई आपकी? तो देवदत्त को लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इससे मैं बहस कैसे करूंगा। देवदत्त ने कहा तो तुम हारी मानते हो? बोले सरकार हम तो पहले से हारे हैं। देवदत्त लौट के आया, बोला यार किसके यहां भेज दी थी मरा हुआ आदमी, जाके बताया हम गजोधर सिंह, लगा कांपने ऐसे ऐसे करके, और पैर पकड़ लिया, रोने लगा, कहा भैया माफ कर दो। उसकी मां ने कहा मैं ना मानती, लिखा के लाओ, ऐसे तो ना मैं मानूंगी, लिखा के लाओ। लिखा के फिर आए पंडित जी, बोले लिख के दो। बोले पंडित जी आप कुछ प्रॉब्लम है आपको, जब मैं पढ़ा नहीं तो लिखूं कैसे? फिर इनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि हाँ यार पढ़ा तो है नहीं। तो पंडित उन्होंने कहा आप लिख लो जो आपको लिखना हो। तो उन्होंने लिखा एक कागज पे कि मैं कबीर पंडित देवदत्त से शास्त्रार्थ में हार गया। बोले इस पर दस्तखत कर दो। अरे बोले भैया दस्तखत ना हो पाएगा, अंगूठा लगा देते हैं। बोले हाँ लगाओ लगाओ, जो भी लगा लगाओ, अंगूठा लगाओ। तो लगा वगा के अंगूठा वो लेकर आए और कागज दिया अपनी मां को, कहा ये देखो अब मानती हो? तो मां ने कागज पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो मां हंसने लगी, बोली मुझे तो पता था कि तू हार जाएगा। पंडित जी बड़े सख्ते में आ गए, बोले अरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, फिर भाग के आए। तो कबीर ने कहा यार एक काम करो, 10-12 पेज में लिख लो, हम सब में अंगूठा लगा दे, बार बार आके परेशान ना करो, उनको चद्दर भेजने होता, खाने का टाइम है यार। तो पंडित जी 2-4 कागज में लिख लिए कि हम लिख के अंगूठा लगवा लिए। तो जितने कागज में लिखे लाके अपनी मां को दिए कि साहब ये है, उन हर कागज में लिखा हुआ था मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। मामला बड़ा गंभीर हो गया, राजा के पास पहुंचा, सुल्तान दिल्ली सुल्तान के पास मसला पहुंचा कि देवदत्त ने कहा कि पंडित सरकार ये तो बड़ा जो बेमान आदमी है, ये कुछ तंत्र विद्या जानता है सरकार, मैं लिखता कुछ हूं लिख कुछ और जाता है, कहे मेरे सामने लिखो। तो पंडित जी ने लिखना शुरू किया कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से हार गया। सुल्तान ने एक बारा तमाचा खींच, खुद ही गलत लिख रहे हो। तो उसकी मां हंसने लगी, बोली तू कब समझेगा, तेरा अहंकार तेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। यह होती है समझदारी।